गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज की क्लास जो है मिनरल एंड ओर्स यानी कि एग्जांपल ऑफ ओर्स की पार्ट सेकंड है, यानी कि सेकंड क्लास है। तो आज की क्लास में भी हम लोग जो है, कल की क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट ओर्स के बारे में देखा था, चार से पाँच ओर देखे थे हमने। अब आज हम लोग जो है छठवें नंबर से ओर को देखना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैल्शियम के ओर को याद कैसे करोगे। कैल्शियम के ओर को, तो कैल्शियम के ओर को याद करने के लिए ट्रिक है, कैल्शियम के एस को याद करने के लिए ट्रिक है, डोका जी फ्लोर पे हंसे। डोका जी एक का नाम है किसी व्यक्ति का, और वो फ्लोर पे हंसे। अब देखिए, हंसे की जगह आपको बस याद रखना है अस याद रख लीजिए या अस याद रख लीजिएगा। ये हंसे जो है ना, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको कट कर दीजिए और इसकी जगह पे अस याद रखना है, यानी कि डोका जी फ्लोर पे अस। तो फ्लोर पे अस का मतलब हो जाएगा, डोका का मतलब है, यहाँ पे देखिए डो का मतलब होता है डोलोमाइट, का मतलब है कैल्साइट, जी का मतलब है जिप्सम, फ्लोर का मतलब है फ्लोर स्पेयर, और अस का मतलब है एस्बेस्टस। यहाँ पे जो है साइलेंट है, ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि डोका जी फ्लोर पे अस। तो डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोर स्पेयर, एस्बेस्टस करके इन चीजों को आप लोग जो है याद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे डोलोमाइट का फॉर्मूला है। देखिए, डोलोमाइट का फॉर्मूला को याद करने के लिए बेसिक आपको मैं फर्स्ट सेकेंड दोनों को एक साथ मिला देता हूं, क्योंकि चूंकि काफी हद तक ये सेम दिख रहे हैं। देखिए, कैल्साइट का फॉर्मूला सबको याद होगा, कैल्साइट को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, चूना पत्थर आपने नाम सुना होगा, चूना पत्थर जिसे कहा जाता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3 होता है। CaCO3 में आपने क्या किया, मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि MgCO3 को मिला दिया। जब कैल्शियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम कार्बोनेट को मिला दिया जाता है तो डोलोमाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डोलोमाइट का निर्माण होता है, यानी कि कैल्शियम में मैग्नीशियम मिलाया, कैल्शियम में मैग्नीशियम मिलाया तो डोलोमाइट बन गया। ये फॉर्मूला करके या ये ट्रिक करके आप इसे याद रख सकते हैं। तीसरा ट्रिक है जिप्सम का। देखिए, जिप्सम को आप याद कैसे करोगे, जिप्सम का फॉर्मूला तो वैसे सभी को याद होना चाहिए, CaSA4SO4 × 2H2, ये करके आपको याद रखना है। फ्लोर स्पीयर में CaF2, ठीक है, यफ आ रहा है तो यफ आना चाहिए, यानी कि फ्लोर से एफ आएगा, इसमें फ्लोरीन आएगा, तो कैल्शियम में फ्लोरीन ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोर स्पीयर बन जाएगा। एस्बेस्टस में आपको क्या करना है, CaSiO3 और MgSiO3, यानी कि SiO3 कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों रहेगा, लेकिन दोनों में SiO3 आपको ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा एस्बेस्टस का फॉर्मूला बन जाएगा। डोका जी फ्लोर पर हंसे, ये ट्रिक थी आपको याद दिलाने के लिए, लेकिन आपको वास्तव में याद रखना है कि डोका जी फ्लोर पे हंसे। तो डोका से क्या हो जाएगा, डोलोमाइट कैल्साइट। अब देखिए, कैल्साइट का मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट से, जब कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम से मिल जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट से, तो डोलोमाइट का निर्माण हो जाएगा, दोनों को मिला दोगे तो डोलोमाइट बन जाएगा, यानी कि दूसरे वाले से पहले का फॉर्मेशन कर दोगे आप। जिप्सम CaSO4 2H2 याद कर देना। फ्लोर स्पीयर में आप देखिए यफ है, यफ लास्ट में आएगा, कैल्शियम में फ्लोरीन मिल जाएगा तो फुल स्पीयर बन जाएगा। एस्बेस्टस में कैल्शियम मैग्नीशियम है, दोनों में SiO3 मिल जाएगा तो कैल्शियम आपका एस्बेस्टस बन जाएगा, यानी कि CaSiO3 × MgSiO3 बन जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग कॉपर के ओर्स के बारे में। तो कॉपर के ओर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं, ट्रिक है कोकू को, ठीक है ना, यानी कि एक बार को को याद करना है, फिर कू को याद करना है, फिर को को याद करना है। तो को से क्या हो जाएगा, कॉपर ग्लांस, कू से हो जाएगा कूपराइट, को से हो जाएगा कॉपर पाइराइट, तीनों याद कर लोगे, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट। कॉपर ग्लास को याद करोगे Cu2S से। अब देखिए, 2S की जगह पर अगर आप O कर दोगे तो ये बन जाएगा कूपराइट। कॉपर ग्लास में S जो है लास्ट में, उसको अगर हटा के O लगा दोगे तो ये बन जाएगा कूपराइट। और वहीं पे कॉपर पाइराइट में क्या होता है कि जब आप FeS2 को जोड़ दोगे कॉपर में तो बन जाएगा कॉपर
पाइराइट बन जाता है। तो कोकू को से आप कॉपर के ओस या अयस को याद रख सकते हो। आ जाते हैं सिल्वर के ओर या एजी के ओर या अयस्क, सिल्वर के अयस्क, चांदी के अयस्क को याद करते हैं। देखिए चांदी के अयस्क को याद करने के लिए आपको दो वर्ड याद रखना होगा, रूबी हॉर्न, यानी कि दो तरह का सिल्वर का अयस्क होता है, रूबी हॉर्न, रूबी हॉर्न से याद रख सकते हो। तो पहला आ जाएगा रूबी सिल्वर, दूसरा हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड भी बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड भी बोला जाता है, हॉर्न सिल्वर को। ये बात आपको याद रखनी है, AgCl होता है फॉर्मूला इसका। रूबी सिल्वर को आपको याद करना होगा 3Ag2S Sb2S3 करके आप इसे याद रखोगे। ये था सिल्वर के अयस्क के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गोल्ड के अयस्क के बारे में। तो गोल्ड के अयस्क को आपको याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, कैसी है ये याद करना है, ठीक है। हमने किसी से पूछा कि कैसी है, कैसी है ना, कि यानी कि ये वस्तु कैसी है या ये ब्लैक बोर्ड कैसा है, तो हमने पूछा ना, वही वर्ड्स को आपको समझना है कि कैसी है, ट्रिक से याद रख सकते हो। तो कैसे हो जाएगा कैल्वेराइट, सी से हो जाएगा सिल्वेनाइट, कैल्वेराइट सिल्वेनाइट। तो कैल्वेराइट का फॉर्मूला होता है AuTe2 और सिल्वेनाइट का फॉर्मूला होता है Ag into Au, मतलब क्वेश्चन में बाहर की तरफ हो जाएगा आपका Te2 करके आप इसे याद रख सकते हो सिल्वेनाइट को। जिंक के ओर को याद कैसे करोगे, जिंक के अयस्क को याद कैसे करोगे, तो याद करने की ट्रिक है जिन, जिन आपने नाम सुना होगा, जिन जी काला, यानी कि जो जिन है वो क्या है, काला है, जिन क्या है, काला है। तो देखिए जिन का मतलब हो जाएगा जिंक ब्लेंड से है, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, जिंक का मतलब होता है, जी का मतलब होता है जिनसाइट, जिनसाइट का हो जाएगा ZnO, और कैलामाइट, काला का मतलब कालामाइट, कालामाइट या कैलामाइट याद रख सकते हो ZnCO3। देखिए जिंक ब्लड में यस होगा, जब यस होगा तो जिनसाइट बन जाएगा और CO3 लगा दो जिंक में तो कैलामाइट बन जाता है। ये आपका फॉर्मूला था जिंक के ओर के बारे में। आ जाते हैं मैग्नीशियम के ओर, सॉरी फॉर दिस वर्ड, मैग्नीज के ओर के बारे में हम लोग पढ़ें। देखिए मैग्नीज के ओर में आपको ट्रिक याद रखनी है, मैंने माँ पाई, यानी कि मैंने जो है, या मैं माँ पाई, मतलब मेरे पास माँ है, माँ जैसी वाहन शक्ति है मेरे पास, तो मैंने माँ को पा लिया है ना। तो माँ को जब पा लिया आपने तो वही ट्रिक है आपका। तो माँ का मतलब जो है मैग्नेट या मैग्नेट, मैग्नेट करके आप याद रखोगे, यानी कि मैग्नेट। तो मैग्नेट का हो जाएगा Mn2O3 × 2H2O, और पाई का मतलब पाइरोलुसाइट, पाइरोलुसाइट का हो जाएगा MnO2 करके आपको याद रखना है। अब देखिए यूरेनियम के ओर क्या होते हैं, यूरेनियम के ओर को याद करने की ट्रिक है पीच कान में। आपने सुना होगा पीच, पीच का मतलब होता है कि हाई एफिशिएंसी वाली ध्वनि जो होती है, साउंड होती है, जिन्हें पिच कहते हैं, हर एक म्यूजिक में होता है पिच। तो पिच जब ज़्यादा होगा तो मतलब कि लाउडनेस ज़्यादा होगी, जब कम होगा तो साइलेंटनेस ज़्यादा होगी। तो जो पिच है वो कान में जा रही है, यानी कि जो नॉइज है वो कान में जा रही है, उस ट्रिक से आपको याद रखना। तो मे यहाँ पे साइलेंट है, पिच का मतलब हो जाएगा पिच ब्लेंड, जिसको U3O8 कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिच ब्लेंड का फॉर्मूला पूछा जाता है। और इसके बाद कान का मतलब हो जाएगा कार्बनेसाइट, जिसका फॉर्मूला होता है K UO4 × 3H2O करके आपको याद रखना है, कार्बनेसाइट का फॉर्मूला है ये। इसके बाद आते हैं मरकरी के ओर के बारे में, एक ही ओर होता है, सिनेबार करके याद रखोगे HGO। बेरियम के ओर ब्रिट्स होता है, ब्रिट्स, जिसको आप लोग याद रखोगे BASO4 से, आप इसे याद रख सकते हो बेरियम के ओर को, ठीक है। तो यूरेनियम के ओर में आपको पिच ब्लेंड, कॉर्नेसाइट, मर्करी के ओर में सिनेबार, और बेरियम के ओर में ब्रिट्स को याद रखना है। चलिए स्टूडेंट देखिए टिन के ओर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। टिन के ओर, तो टिन के ओर है कैसिटेराइट, SnO2 करके आपको याद रखना है। इसके बाद लेड के ओर में गैलना, इसको याद रखना है गैलना, PBS एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार, इंपॉर्टेंट है गैलना, इसको याद कर लीजिएगा। एंटीमनी के ओर्स को आपको याद करना है स्टेबेनाइट, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, Sb2S3 कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद कैडियम के ओर ग्रीनोसाइट, ये भी याद कर लेना, CDS करके फॉर्मूला है। कोबाल्ट के ओर स्मेलाइट, ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, CoAs H2 करके याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट है ये भी। निकिल के ओर निकिल सल्फेट या मिलेराइट, जिसको हम बोलते हैं NIS करके याद रख सकते हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट ओर्स के एग्जाम्पल, मैंने जो है दो पार्ट्स में आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है ओर्स के बारे में।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करिएगा और इस वीडियो में भी अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम सभी जगहों पर आप इसे शेयर जरूर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। गुड बाय।